Assalamualaikum friends, how are you? Inshallah, we'll be fine. Okay, you have spent many vacations. Now we will start our studies. अब हमारा time आ गया है कि थोड़ा सा हम पढ़ाई की तरफ आ जाएं. बहुत सारा time हमने waste कर दिया हैगा. हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ते भी नहीं हों. जो पढ़ रहे थे बड़ी अच्छी बात है. उनको इतना problem नहीं होगा. लेकिन जिन्होंने बिल्कुल bag pack करके store rooms में डाल दिए हैं, उनको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा. और रिवीजन तो खैर हम सभी का कर रहे हैं, तो इस तरह ही स्टार्ट करते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम हम छोटी क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं. नाउ फर्स्ट हमारा जो लेक्चर फर्स्ट वर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम वर्ड बुक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो टेक्स्ट पे आने के लिए. ओपन योर ग्रैंड टुडे बुक पेज नंबर 1. फर्स्ट चैप्टर है हमारा लेट अस रिवाइज. चैप्टर नेम ही हमारा ये है, बुक पेज नंबर 1 पे लेट अस रिवाइज, यानी जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं. कोई नया काम अभी नहीं है और ये सारा वर्क हमें बुक के अंदर ही करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यहाँ जितनी एक्सरसाइजेस हमने जो आपको दी है, बुक पेज नंबर 1, 2 और 3, तीनों को पेज करने हैं, बुक के अंदर ही करने, कॉपी को बिल्कुल टच नहीं करना. तीनों में जो एक्सरसाइजेस दी है ए बी सी एंड डी, वो मैं आपको उसका फर्स्ट आपको करके समझा रही हूँ, याद आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वो आगे खुद करेंगे. लेट अस रिवाइज बुक पेज नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर ए. सर्टेन सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स. यहाँ हमारा दिया हुआ भी है क्वेश्चन, पूरा नहीं लिखे यहाँ आपका लिखा हुआ करके, ये आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं. यहाँ हमारे पिंक सर्कल के अंदर पूरा इसको समझाया जाएगा, जिसको याद ना आ रहा हो यहाँ देख सकते हैं. सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं. हमारा सेंटेंस दो हिस्सों में होता है. हाँ, सेंटेंस इज मेड अप ऑफ द टू पार्ट्स, दो हिस्सों में होता है. द सब्जेक्ट इज द पार्ट दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस और थिंग. सब्जेक्ट में कौन सा हिस्सा होता है जिसमें किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज का नाम आ रहा हो. और द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जिसमें वो क्या काम कर रहा है या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर जाती हैं. जैसे एक्सरसाइज ए का फर्स्ट मैं आपको करके बता रही हूँ क्या करना होगा. इसमें सर्किल का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जितना है उस पे सर्किल करना है, प्रेडिकेट जितना है उसके नीचे अंडरलाइन करना है. नंबर 1 द ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स सिंग 10 सॉन्ग्स. अब समझने से बहुत आराम से समझ आ गया होगा इसमें कहां तक बात हुई है, किस चीज को लेके. द ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स, ये कहां आ गया सब्जेक्ट में. इसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सर्किल करना है. नेक्स्ट हमारे क्या आ गया, सेंग 10 सॉन्ग्स. हमारे क्या किया, 10 गाने गाए, तो इसको ये हो गया प्रेडिकेट, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया. ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट. ठीक है, सिंपल. इसी तरीके से आपको मैंने फर्स्ट करके बताया, सेकंड थर्ड से लेके 12 तक आपको बुक में ही करना है. ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई. एक्सरसाइज बी बुक पेज नंबर 1 पर है. सर्कल द प्रॉपर नाउंस एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउंस. नाउंस आई थिंक सबको याद होगा, नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग. नाउन किसको कहते हैं, किसी भी नाम चीज जगह या जानवर को हम नाउन कहते हैं, यानी कि सिंह कहते हैं उर्दू में. यहाँ सवाल इन्होंने दिया है सर्कल द प्रॉपर नाउंस, जैसे ऊपर वाली एक्सरसाइज थी वही एक्सरसाइज हमें नीचे करनी है. प्रॉपर यानी खास नाम एंड अंडरलाइन यहाँ द कॉमन नाउन. अब प्रॉपर कॉमन भी याद होगा आप लोगों को सारा.
प्रॉपर इसको कहते हैं खास नाम, किसी भी चीज के वो उस नाम को जिससे वो मशहूर होगा, प्रॉपर नाम। और कॉमन नाम जो हम पहले यूज कर रहे हैं जिससे वो मशहूर ना हो रहा है, शनाख्त नाम है। इसमें हमें प्रॉपर नाम के ऊपर अपने सर्वे करना है और कॉमन नाम के अंदर अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है मिस्टर अकरम इज पेंटिंग हिज हाउस। जी जल्दी से कौन किसको याद है? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। यस सर्किल मिस्टर अकरम इज पेंटिंग हिज हाउस। यस हाउस, हाउस हमारा कोई भी घर है। मम्मी ये तो नहीं कहा ना कि वो फलाने घर को पेंट कर रहे हैं। इज हाउस, तो हाउस हमारा कॉमन नाउन हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया और ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक, एक्सप्लेनेशन साथ दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ टर्न टू पेज, बुक पेज नंबर 2। सेकंड यहाँ पर सी एक्सरसाइज हमें जो दी हुई है वो करनी है, उसमें क्या करना है उसका भी फर्स्ट मैं आपको करके बता देती हूँ। नेक्स्ट जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको करेंगे, बार बार बता रही हूँ, बुक में करना है, बिल्कुल कॉपी को भी नहीं टच करना। सर्टेन करेक्ट वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस, वर्ड्स वर्ड की एक्सरसाइज आ गई, सभी ने वर्ड पढ़ा हुआ है। सर्किल द करेक्ट, यानी यहाँ दो इन्होंने वर्ड यूज किए थे, या इन्होंने कहा है करेक्ट वर्ड यूज करना है। वर्ड क्या होता है? इफ द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर द वर्ड शुड आल्सो बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज अ प्लूरल द वर्ड शुड आल्सो बी प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ रहा है तो आगे का वर्ड जो यूज होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, द म्यूजियम अभी आया, इन्होंने बोल्ड कलर में कर चल ब्लू से लिख के दिखा दो, इज और आर वो वर्ड दिए मैंने, हेल्पिंग वर्ड्स, और इसमें से हमें सनी यूज करना है। इस आएगा या आ रहेगा, इसमें इन्होंने यहाँ समझा दिया है कि अगर सब्जेक्ट चीज हमारी सिंगुलर है तो वर्ड भी हमारा सिंगुलर ही यूज हो रहा है। तो यहाँ म्यूजियम म्यूजियम में एक्सेस लेंगे, म्यूजियम के साथ क्या यूज होगा? इज, तो इसको हमने इसमें सर में कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है ऑल दिस प्रॉब्लम्स वॉज और वर्ड डिस्कस इन द क्लास, यानी अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास एस यू हो रहा है, वर्ब सिंगुलर के यूज होते हैं, तो हम यहाँ क्या सर्किल करेंगे? वर्ब वर्ड एक्सरसाइज डी फिल इन ब्लैंक्स विद ए एंड और द एंड और सबको याद आ गया होगा ये कौन से वर्ड्स हैं, ये और ये हमें वो फिल द ब्लैंक्स में फिल करना है। जल्दी से यूज द, क्या इसको भी एक्सप्लेन किया, यूज द टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और थिंग्स, अदरवाइज यूज आर एंड। आर एंड हम कहाँ यूज करते हैं? कोई भी नाम है सिंगुलर है वॉवल के बगैर स्टार्ट हो रहे वहां हम आर यूज करेंगे, कोई भी नाम है सिंगुलर है वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं हम एन यूज करेंगे। पर जब यूज करते हैं जब हम किसी खास चीज की बात करते हैं। यहाँ इन्होंने फिल्म लाइंसेस दी हुई है हमें और इसमें इन आर्टिकल्स को पुट करना है। प्लीज की डैश ऑमलेट रेडी फॉर
फास्ट। अब क्या यूज होगा इस डैश में, जल्दी से बताएं मुझे, सोचे क्या है आज। ऑमलेट, ऑमलेट नाउन, नाउन किससे शुरू हो रहा है, वॉवल से, वॉवल से शुरू हो रहा है तो क्या यूज करेंगे आप, नो यस एम यूज करेंगे, तो हमें स्पेलिंग लाइंस में क्या लिखना है, एम। ठीक, दैट मैन इज वेयरिंग डैश ओवरकोट एंड डैश हैट। यस, क्या आएगा, मैंने क्या ट्रेंड कर रहा है, डैश ओवरकोट, ओवरकोट किससे स्टार्ट हो रहा है, से, तो एम आएगा एंड डैश हैट, हैट सिंगल उसे कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हैट से पहले क्या आएगा हाँ। इसी तरीके से हमने ये सारे करने हैं, ये कंटिन्यू हो रहे हैं हमारे बुक पेज नंबर 3 पर, तो हम इसको 3 तक कंप्लीट कर लीजिएगा और जो भी चीज समझ में नहीं आया वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ बुक पेज नंबर 3 एक्सरसाइज जो हमारी दी हुई है ई, वो हमारी बुक पेज नंबर 3 पे आ रही है। बल्कि बी तक ही हमने एक्सरसाइज के लिए बुक पेज नंबर 3 तक आ गए, हमारा ग्रामर टुडे वर्क भी कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम दो ही सब रिलेटेड रिवीजन है, चैप्टर नाम रिलेटेड सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम हो वही बात अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने गार्जियंस को हमें बता दीजिए, हम उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे, आप उनसे बढ़िए जब तक हमारी क्लासेस प्रॉपर स्कूल में आना आप लोगों को अलाउ नहीं है। और इंशाल्लाह ये फर्स्ट वीक लेक्चर आपको मिल गया है, सेकंड वीक लेक्चर हम आपको शुरू करेंगे जब आप ये हमें सबमिट करवाएंगे, और ये पहले भी बताया जा चुका है, मैं फिर याद दिला रही हूँ कि सारे काम के मार्क्स से जिसकी बेसिस आप लोगों का रिजल्ट बनेगा, तो आप लोग ये जल्दी से काम करिए, जो आप लोगों को डेट दी जा रही है उस डेट पर सबमिट करवाइए ताकि हम न्यू वर्क शुरू करें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।